इसी बीच एक और बड़ी खबर, बंसी पहाड़पुर और रूपवास में अवैध खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खनिज अभियंता पिंकराव सिंह के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई, पुलिस थाना रुदावल टीम के साथ बंसी पहाड़पुर में एक ट्रक और एक ट्रैक्टर सैंडस्टोन ब्लॉक का जब्त किया गया है। पुलिस थाना रुदावल के साथ संयुक्त जांच में 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, साथ ही FIR दर्ज कराकर वाहनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। कल पूरे मामले में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शिकायत की थी और शिकायत के बाद में आज ये बड़ी कार्रवाई होना ये दर्शाता है कि एक्टिव है अभी खनन माफियाओं पर नकेल कसने की जो कोशिशें हैं वो धीमी नहीं पड़ी है बल्कि लगातार बदस्तूर जारी है। भरतपुर रेंज IG को शिकायत कर कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खनिज अभियंता पिंकराव सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले पर जिसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए जयती, जिस तरह से 84 की घटना हुई थी उसके बाद प्रदेश में वैसे ही अवैध खनन के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन बंसी पहाड़पुर का ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर लगातार अवैध खनन के जो मामले, अवैध खनन, निर्गमन और परिवहन के आ रहे थे। उसके बाद खुद जो पर्यटन मंत्री उस क्षेत्र को भी, चूंकि वो क्षेत्र को भी बिलोंग करता है भरतपुर क्षेत्र को, तो उन्होंने कल भरतपुर के जो रेंज IG थे उनसे, जो तमाम अन्य अधिकारी थे उनसे सबसे इस बात की शिकायत की थी कि कुछ पुलिसकर्मी भी लगातार इस बात को शह दे रहे हैं अवैध खनन को। उसके बाद से ही रेंज IG ने लगातार जो अपने अफसर हैं उनको तुरंत प्रभाव से निर्देशित किया कि कार्रवाई की जाए खान विभाग की टीमों के साथ मिलकर। और जिस तरह से वहां के जो खनिज अभियंता है पिंकराव सिंह, उन्होंने कल जो पुलिस के साथ लेकर के एक अभियान चलाया, उस अभियान के तहत उन्होंने सबसे पहले तो बंसी पहाड़पुर के अंदर जो अवैध सैंडस्टोन का परिवहन और निर्गमन करते एक ट्रक और एक ट्रैक्टर को जब्त किया। उसके बाद उनको जो बंसी पहाड़पुर से जो कार्रवाई हुई, उसके बाद उन्होंने रुदावल थाने की जो टीम है उसके साथ भी उन्होंने कार्रवाई की और रूपवास के अंदर 6 ट्रैक्टर ट्रॉली मैसनरी स्टोन की भी जब्त की है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी उसके बाद पुलिस और खान विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है, लेकिन इस बात से एक बात और साबित होती है कि जिस तरह अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश भर में भले ही अभियान चल रहा हो लेकिन उसके बावजूद कई जगह जो खनन माफिया है उनके हौसले बुलंद है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस कार्रवाई के बाद जो कुछ अछूते क्षेत्र रह गए जहां पर या तो सियासी रसूख की वजह से अवैध खनन चल रहा था या धन बल और बाहुबल के बल वहां पर अवैध खनन चल रहा था, उस पर भी हम खान विभाग और पुलिस और जो वन विभाग है उसकी टीम कार्रवाई करेगी और इस तरह की नजीर पेश करेगी कि प्रदेश के अंदर अवैध खनन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल निर्मल जी, और कोशिश लगातार इसी चीज को दर्शाती है कि अवैध खनन और अवैध माफिया पर फुल स्टॉप लगाने की पूरी कोशिश कर रही है और जो प्रशासन है उसमें पूरा उसमें सहयोग कर रहा है। ये तस्वीरें लगातार ये दिखा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।